दोस्तों अगर आप CSIR नेट, UGC नेट, CTET, UPTET और UP बेसिक टीचर्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए अब हमारे कोर्सेज एन अकेडमी लर्निंग ऐप पर भी उपलब्ध हैं। डाउनलोड कीजिए एन अकेडमी का लर्निंग ऐप और सर्च कीजिए ज्ञान प्रकाश या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कीजिए और यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारे सबसे बेहतर कोर्सेज को देख भी सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एन अकेडमी लर्निंग ऐप पर, तब तक के लिए धन्यवाद। इस दुनिया में हम सभी लोग एक जैसे नहीं हैं, हमारी परेशानियां भी एक जैसी नहीं हैं, हमारा जीवन भी एक जैसा नहीं है, लेकिन हमारे मन की बनावट, उसका जो रसायन विज्ञान है वो लगभग एक जैसा है। अगर आप विगत 4 या 5 वर्षों में पीछे जाएं, तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसी समस्याएं आपके जीवन में जरूर आई होंगी, जिन समस्याओं ने हो सकता है आपको 1 दिन 2 दिन तक सोने ना दिया हो और आप हफ्तों महीनों तक व्यथित रहे हों, परेशान रहे हों कि अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारा जीवन एक बहुत ही बुरी दिशा में चला जाएगा। तो आप जिन घटनाओं से बहुत अधिक परेशान रहे उसमें से 90% या फिर उससे अधिक, यूं कह लीजिए 99% ऐसी घटनाएं घटित ही नहीं होती हैं। यानी कि होता क्या है, होता यह है कि हमारा जो मन होता है वह कभी कभी उससे भी अधिक बुरी परिस्थितियों के बारे में कल्पना करके आपको बता देता है जो वास्तविकता में घटित नहीं होती हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए कि हमारा जो मन है अगर वो हमारे बस में नहीं है, अगर हम अपने तर्कों से अपने मन को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो हमारा मन हमारे लिए एक दुश्मन जैसा कार्य करने लगता है। हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और शत्रु भी है। अपने मस्तिष्क में सकारात्मकता रखिए तो मन भी सहज रहता है। नकारात्मकता मन के विज्ञान को बिगाड़ देती है और फिर आपका मन आपके विरुद्ध चलने लगता है। यह उन चीज़ों की परिकल्पना करने लगता है जो सहज ही घटित नहीं होती हैं। इसलिए सहज रहें, ऊर्जावान रहें और जो आपके बस में ना हो उसे ईश्वर पर छोड़ देना ही श्रेयस्कर है। सब अच्छा होगा ये भरोसा रखें और यकीन माने कि आपका इस धरती पर आना और उस नीति नियंता द्वारा आपका निर्माण, ये कोई ऐसा नहीं है कि वह आपके प्रति आपकी परवाह नहीं करता है, वह आपकी परवाह करता है जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है। तो डियर फ्रेंड्स, अपने आप को हमेशा सकारात्मक रहें, अधिक से अधिक कार्य करें और अपने प्रतियोगी से अगर आप थोड़ा सा आगे रहना चाहते हैं तो आपको उससे थोड़ा सा अधिक कार्य भी करना ही होगा। तो फ्रेंड्स, आज है 28 सितंबर 2018, शुरू करते हैं अब आज का ये मॉर्निंग न्यूज सेशन। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक अच्छी खबर निकल के आ रही है उनके लिए जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। सचिवालय के 1000 रिक्त पदों पर शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया और यहाँ पर बात करें तो उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के रिक्त 1066 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेज दिया गया है। इन रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्दी शुरू कर दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने पर सचिवालय में कर्मचारियों की कमी दूर हो जाएगी। सचिवालय प्रशासन विभाग ने समीक्षा अधिकारी के 441, समीक्षा अधिकारी लेखा के 47 पद और ARO यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी के 327, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के 25 पद पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग इलाहाबाद को अध्याचन भेज दिया है। इसी प्रकार कंप्यूटर सहायक के 144, विधान रक्षक के 69 पद और विधान रक्षक आग्नेय रक्षक के 13 पदों पर भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजा जा चुका है। इन पदों पर भर्ती के साथ ही सचिवालय में स्वीकृत सभी पद जल्द भरे जाएंगे, कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी दूर हो जाएगी। बात करें तो अगस्त महीने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सचिवालय प्रशासन विभाग की समीक्षा के दौरान लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजे गए अध्याचन के लंबित होने के कारणों को पूछा था। कार्मिक विभाग को निर्देशित किया था कि दोनों आयोगों से समन्वय कर भर्ती प्रक्रिया शुरू कराएं, इसकी जांच भी आगे तक चलती रहे, जो भी भर्तियां पीछे हैं उनको भी कंटिन्यू रखने के बारे में बात की जा रही है। और यहां पर उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 2 से 4 महीनों के अंदर ही आयोग सचिवालय सेवा के रिक्त पदों के लिए विज्ञापन निकालना शुरू कर देंगे। अभी भी कुछ और भी अच्छी खबरें हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि यहाँ पर हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि सरकार बताए कि कितने दिन में पूरी हो जाएगी शिक्षक भर्ती की जांच, क्योंकि हाई कोर्ट ने 7 दिन में मांगा है हलफनामा और 8 को होगी इसकी अगली सुनवाई। तो जैसा कि आपको पता है कि
उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी और उसमें बड़ी मात्रा में धांधली सामने आई थी और इसके बारे में फिलहाल मामला अब कोर्ट में है। ओके फ्रेंड्स, यहां पर एक बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी में अभी बहुत सारी वैकेंसीज आनी बाकी हैं। यहां पर आपको हम बताएंगे कि लेखपाल के 5000 और जूनियर असिस्टेंट के 4000 के अलावा अभियंता और अभियंता के 1500 पदों का जो है एक नया विज्ञापन जारी होने जा रहा है। पूरी खबर है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस वर्ष दिसंबर तक करीब 10,000 रिक्त पदों के विज्ञापन निकालने की योजना पर कार्य कर रहा है, यानी कि 5,000 पद लेखपाल के, 4,000 पद जे के, जूनियर असिस्टेंट के 9,000 हो गए, अवर अभियंता के लगभग 1500, तो लगभग 10,500 के आसपास पद रहेंगे। और इसमें जो पद मैंने आपको बता दिया, अब आके देखें तो आयोग के एक अधिकारी ने बताया है कि पिछली सरकार के कार्यकाल से लंबित विभिन्न पदों पर चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ 4,706 रिक्त पदों के लिए अलग अलग 3 नए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। इन पदों पर चयन से जुड़ी कार्रवाई विभिन्न स्तर पर प्रक्रियाधीन है। दिसंबर तक अलग अलग विभागों की रिक्तियों के 10,000 पदों पर आवेदन मांगने की योजना है। इसमें करीब 1200 से 1500 पद अवर अभियंताओं के रिक्त पदों के हैं और इन पदों के लिए जल्द से जल्द आवेदन मांगने की योजना पर कार्य हो रहा है। इसी प्रकार विभिन्न विभागों में जूनियर असिस्टेंट के करीब 4,000 पदों का इस पर भर्ती का प्रस्ताव पारित हुआ है और इन पदों पर विज्ञापन दिसंबर तक हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। विज्ञापन में बात किया जाए तो सचिवालय में समूह ग के कंप्यूटर सहायक, विधान भवन रक्षक और विधान भवन आग्नेय रक्षक के 226 रिक्त पदों के भर्ती प्रस्ताव भी आयोग को मिल चुके हैं और इनका भी परीक्षण हो रहा है। अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री राजस्व लेखपाल के रिक्त 5,000 पदों पर भर्ती की कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दे चुके हैं और राजस्व विभाग से प्रस्ताव मिलते ही आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर बात करें तो यूपी रेरा यानी कि बिल्डरों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण, जिसको कहते हैं आप यूपी रेरा, ने विधिवत गठन करने के बाद अब उसे मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत यूपी रेरा में जरूरत के मुताबिक 14 संवर्गों के 23 पदों पर अन्य स्टाफ की नियुक्ति करने का फैसला किया गया है। इन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए रेरा ने आवेदन पत्र मांगे हैं। यूपी रेरा के सचिव अबरार अहमद की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी पदों की नियुक्तियां संविदा और प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाएंगी। आज यानी कि शुक्रवार से यूपी और -rera.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं और इसमें विधि सलाहकार, उप सचिव, नगर नियोजक, प्रशासनिक अधिकारी, अधिशासी अधियंता, सहायक अधियंता, अवर अभियंता, सहायक निदेशक सिस्टम और विधि सहायक एक के साथ आंसू लिपि ग्रेड 1 और 3, आंसू लिपि ग्रेड 2-3, लेखाकार के 2 और कंप्यूटर ऑपरेटर के इतने पद इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसमें आवेदन शुरू हो रहे हैं, अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यूपीटीटी परीक्षा के बारे में। तो यहाँ पर यूपीटीटी परीक्षा में काफ़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं क्योंकि अभी तक जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हो पा रहे हैं। रात रात भर जो है अभ्यर्थी जाग रहे हैं तो इसके बावजूद भी कोई समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है और जितने भी संबंधित अधिकारी हैं वो लोग कोई प्रॉपर जो है इसको आंसर नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 27 तारीख से वेबसाइट ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी तक वेबसाइट ठीक नहीं हो पाई है। बहुत सारे अभ्यर्थी या तो पंजीकरण नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी जो पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी कर लेते हैं तो उनके अकाउंट से पैसा कट जाता है, फीस की रसीद नहीं मिलती है, यानी कि बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कि यहाँ पर सामने निकल के आ रही हैं। और अंतिम तिथि बढ़ाने के बारे में भी यहाँ पर इनकार किया गया है और ये भी कहा गया है सचिव की ओर से कि NIC के अधिकारियों से उनकी बात हुई है, जल्दी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और NIC के अधिकारियों ने कहा है कि शुक्रवार से साइट ठीक से चलने लगेगी। यहाँ पर अगर पूरी बात करें हम तो शुरुआत में वेबसाइट ठीक चली थी, लेकिन 4 दिन से सर्वर बेहद धीमा है और अभ्यर्थी बता रहे हैं कि पंजीकरण व आवेदन के साथ ऑनलाइन आवेदन फीस जमा करने की व्यवस्था है, इसमें उनके खाते से परीक्षा शुल्क का धन कट जा रहा है लेकिन उनकी रसीद नहीं मिल पा रही है, इससे आवेदन पूरा नहीं हो पा रहा है। इससे कई बार शिकायत की गई तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने NIC से वार्ता की और आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द ये व्यवस्था ठीक कर दी जाएगी, सर्वर की बढ़ाई जाएगी क्षमता, ये खबर निकल के आ रही है। बताया जा रहा है कि प्रकरण शासन तक पहुंचने पर अपर मुख्य सचिव डॉक्टर कुमार ने गुरुवार को NIC और परीक्षा नियामक सचिव बैंक अधिकारियों की बैठक की। इसमें सामने आया कि बड़ी संख्या में आवेदन होने से सर्वर सही से काम नहीं कर रहा है क्योंकि सर्वर की क्षमता कम है।
अपर मुख्य सचिव ने इस पर नाराजगी जताते हुए एनआईसी की तत्काल सर्वर की क्षमता बढ़ाकर व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। सुनिश्चित करें कि शुक्रवार से किसी भी अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत न आए। तो ये दिक्कत हो रही है और यहाँ पर सचिव ने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों का पैसा खाते से कट गया है उन्हें रसीद मिलेगी, इसमें किसी प्रकार की गलतफहमी या फिर दुष्प्रचार के वो शिकार ना हो। लेकिन मेरा आपसे व्यक्तिगत रूप से ये कहना है कि अगर आपका पैसा आपके खाते से कट गया है और 30 तारीख तक आपको जो है मतलब प्रक्रिया अपडेट नहीं हो पाती आपकी, या तो आपको रसीद नहीं मिलती है या फिर आप आगे का फाइनल प्रिंट आउट नहीं ले पाते हैं डियर फ्रेंड्स, तो आप एक काम कीजिएगा, आप दोबारा से आवेदन कर देंगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप आगे चलकर किसी वजह से मतलब परीक्षा में शामिल ना हो पाए, ठीक है, क्योंकि इन लोगों का तो कुछ फिक्स ही नहीं है कि ये लोग करते क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी खबरों को देखते हैं। यहाँ पर बीटीसी डीएलएड के रिजल्ट ने खोली पढ़ाई की पोल, बात हो रही है प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट के बारे में, और निजी कॉलेजों में शिक्षक तैयार करने के प्रशिक्षण की पोल खुल गई है। 10 दिन के अंतराल पर घोषित 2 परीक्षा परिणाम में बड़ी संख्या में प्रशिक्षु अनुत्तीर्ण हो गए, और प्रशिक्षण परीक्षा के जिन 2 सेमेस्टर का रिजल्ट सामने आया है उनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन पहली बार डायट मुख्यालयों पर कराया गया था। कापियां यूपी बोर्ड की तर्ज पर एक से दूसरे जिलों में भेजी गई थी। तो यहाँ पर पूरी जो खबर है इसको आप पढ़ सकते हैं हमारे 18 के बारे में, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पर खबर ये निकल के आ रही है कि मध्य प्रदेश के प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी द्वारा स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली उच्च प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक अब आवेदन 5 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। पीबी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार पात्रता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 5 अक्टूबर कर दिया गया है। आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 30 सितंबर को बढ़ाकर 6 अक्टूबर कर दिया गया है। पीबी के नियंत्रक की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन 5 अक्टूबर तक और आवेदन में संशोधन 6 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की खबरें, उम्मीद करता हूँ कि सारी खबरें आपको आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होंगी। फ्रेंड, अब हमारे कोर्सेज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं और यहाँ पर हमारे सबसे बेस्ट जो कोर्सेज हैं वो आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ अध्ययन करना बहुत विशेष, तो यहाँ पर हमारे 100 बेस्ट MCQs अगर आप वॉच कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जितने भी प्रश्न आएंगे इसी से आएंगे, इसके अलावा कोई भी प्रश्न नहीं बनता है। और अगर आप पर्यावरण पर लेक्चर चाहते हैं तो ये जो हमारा पहला कोर्स है हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट, इस पर भी आकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और ICT पर आधारित हमारे लेक्चर भी हैं और MCQs भी हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं यूजीसी नेट से संबंधित उनका सॉल्व भी आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है। तो फ्रेंड्स, अब बाकी की जो डिस्कशन होगी वो अगले लेक्चर में करेंगे आपके साथ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।